दोस्तों आज जो कमीशन पढ़ेंगे उसका नाम है पारसमणि। ये बहुत ही अच्छी सीरीज है, तो पढ़ते हैं इसको। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो पढ़ते हैं इसको। बहुत पुराने समय की बात है, एक जंगल में कुछ महात्मा यज्ञ कर रहे थे। उसी जंगल में एक जालिम जादूगरनी रहती थी। वह बहुत ही अहंकारी, धूर्त एवं दुष्ट स्वभाव की थी। उससे न किसी किसी की खुशी देखी जाती थी, न ही अमन चैन। वह हर किसी के शुभ कार्य में भी घन डाल देती थी। जब उसने उन साधु महात्माओं को यज्ञ करते देखा, इन भिखारी साधुओं की इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य में बिना मुझसे पूछे यज्ञ करे, अभी मता चखाती उन्हें। अगले पल उसने अपनी जादुई छड़ी अपने पास खड़े जानवरों पर घुमाई। तुम मुर्दा हो जाओ जानवरों, पलक झपकते ही सभी जानवर निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़े। अब तुम सब जाकर यज्ञ कर रहे उन साधुओं के यज्ञ को नापाक कर दो। तुरंत ही हा हा हा, अभी इन साधुओं में को राम मच जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। हे ईश्वर, यह कैसा विघ्न! ओ नहीं है, मरे जानवर यज्ञ में आके गिर गए। गुरुदेव, यह क्या अनर्थ हो गया! यह तो बहुत बड़ा अपशकुन है। गुरुदेव, वो न हो या किसी दुष्ट शक्ति का काम है, मैं भी उसे सामने लाता हूं। बम बम भोले, जिस दुष्ट व्यक्ति शक्ति ने यह क्यों करता किया, वह सामने आए शीघ्र ही। तुम मायावनी क्यों बूढ़े ढोंगी, मिल गया ना मजा मुझसे बिना आज्ञा लिए इस जंगल में यज्ञ करने का। जाओ अपने शिष्यों के साथ यहां से कहीं दूर भाग जाओ। अरे दुष्ट जादूगरी, ठहर, मैं भी तुझे तेरे किए का फल देता हूं। कहकर साधु ने अपना एक हाथ हवा में उठाया। बम बम बोले, तुरंत ही साधु के उठे हाथ में एक त्रिशूल दिखाई देने लगा। हे बोले बाबा की शक्ति, इस दुष्ट औरत को इसके किए की सजा दो। हा हा हा, साधु के हाथ से त्रिशूल निकलकर मायावनी की ओर बढ़ा। ए मेरी शैतानी शक्ति, राख कर दे इस त्रिशूल को। तुरंत छड़ी उसके हाथ से निकले और त्रिशूल से जा टकराई। वन में वायुमंडल में चिंगारिया और धुएं के गुब्बार से भर गया। कड़ कड़ प्रा हा 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 हा, लेकिन चिंगारिया आग और धुएं के साफ होते ही न केवल मायावनी को की हसी रुकी बल्कि बुरी तरह घबरा भी उठी। वो मेरी शक्ति त्रिशूल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, वह मेरी अभी भी मेरी तरफ बढ़ रहा है। हा हा मूर्ख क्षत्रिय, यह बोले बाबा शंकर की शक्ति, इस पर तेरी कोई भी शक्ति प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अब बचा अपने प्राण। उफ उफ, भागने में ही भलाई है, वास्तव में मैं ही मूर्ख हूं जो बिना सोचे समझे इन पहुंचे हुए महात्माओं से टकरा बैठी। मायावनी ने त्रिशूल से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी। अब तो मां चंडाली मुझे बचा सकती है, मुझे उनके पास ही चलना चाहिए और नाकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। इसके पीछे लग गया त्रिशूल। कुछ ही देर बाद मायावनी एक अंधेरी व काली गुफा में प्रविष्ट हुई। मां चंडाली मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मां मुझे बचा लो मां चंडाली, वरना भगवान शंकर का त्रिशूल मेरी जान ले लेगा। आखिरी बात क्या बेटी मायावनी, तुम इतनी भयभीत क्यों हो, मुझे पूरी बात बताओ। मायावनी ने सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सभी दुष्ट शक्तियों की प्रधान मां चंडाली चिंतित तो उठी। तुमने उन नेक और पहुंचे हुए महात्माओं के शुभ कार्य में विघ्न डालकर बहुत भयंकर भूल कर डाली है। मायावनी, भोलेनाथ के त्रिशूल से तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचा सकती। ऐसा मत कहो मां, मैंने वर्षों तुम्हारी सेवा की है और तुमने मुझे वचन भी दिया था माँ कि जब कभी भी मुझ पर घोर विपत्ति आएगी और मैं तुमसे मदद मांगने आऊंगी तो तुम मेरी सहायता करोगी। आज मैं तुमसे प्रार्थना करी हूँ, माँ कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा करो। ओ अच्छा, ठहरो, मुझे जरा सोचने दो। कुछ सोचने के पश्चात, सुनो मेरी बेटी मायावनी, एक ही उपाय जिससे तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। तुम ऐसे सिद्धि ब्रह्म जी के राजकुमार सिंहराज की शरण में चले जाओ। सिंहराज वास्तव में इंद्र पुत्र है, जिसे एक श्राप के कारण इस लोक में सिंहराज के रूप में जन्म लेना पड़ा है। लेकिन उसके जन्म दिन पर सभी देवी देवताओं ने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया था कि उसे या उसकी शरण में आने वाले किसी जीव जंतु या मनुष्य को कोई भी नेक शैतानी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकेगी तथा उसकी मृत्यु तभी होगी जब वह अपनी पत्नी के साथ 100 वर्ष तक पृथ्वी के तमाम सुख भोग लेगा। यदि तुम किसी तरह राजकुमार सिंहराज से विवाह कर लो तो फिर 100 वर्ष तक तुम्हें इस लोक की तो क्या किसी भी लोक की कोई शक्ति नहीं मार सकेगी। लेकिन सावधान ध्यान रहे कि राजकुमार किसी भी अवस्था में दूसरा विवाह न करने पाए, वरना तुम्हें तिल तिल कर मरना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात ध्यान रखूंगी माँ और तुम्हारे यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दो।
ठीक है तुम जाओ, लेकिन हाँ एक बात तुम्हें और बता दूं कि जब तुम बरमदीप पहुंचोगी तो उस समय राजकुमार सिंह राज तिलक हो रहा होगा, क्योंकि उनके पिता की एक माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, अब मैं चलती हूँ। तभी वो भोलेनाथ का त्रिशूल मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक भी आ पहुंचा माँ, अब मैं क्या करूँ? सामने का रास्ता तो उसने रोक रखा है। अभी मैं तुम ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए मार्ग बनाती हूँ। हम जिम जुम मार्ग दे, तुरंत ही कड़ 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 पलक झपकते ही उस तरफ एक द्वार बन गया। जा बेटे तुम निकल भागो, काल भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा माँ। मायावनी उस द्वार से बाहर निकली और एक बार फिर आकाश में उड़ चली, लेकिन त्रिशूल अब भी उसके पीछे था। अब कोई चिंता नहीं, यदि माँ चंडाली का कहना सच हुआ तो वह त्रिशूल मेरी झलक भी नहीं पा सकेगा। मायावनी पूरा दिन और पूरी रात आकाश में उड़ती रही और त्रिशूल बराबर उसका पीछा करता रहा, लेकिन उस तक पहुंचने सका। और अगले दिन भोर की किरणों के साथ ही वह बरमदीप पहुंच गई। शायद यही है राजकुमार सिंह राज का महल। बस एक बार महल के भीतर पहुंचा हूँ, फिर देखूंगी भगवान शंकर का त्रिशूल मेरा क्या बिगाड़ता है। श्री मावनी राजमहल की छत पर उतरी। यदि इस रूप और लिबास में राजकुमार के सामने गई तो वह मुझे विवाह करना तो दूर अपने पास तक नहीं फटकने देगा, अतः मुझे मोहिनी रूप धारण कर लेना चाहिए। अगले पल मावनी ने अपनी जादू शक्ति से एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। अरे भोलेनाथ की तुच्छ शक्ति, अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, अब चली जाए ऐसे ही। और अट्ठास लगन के साथ ही वह नीचे जाने वाली सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उसे अपनी जादुई छड़ी का ध्यान आया। अरे मैं अपनी बस इस जादुई छड़ी को तो छुपाना भूल ही गई, इसे हर समय मेरे पास देखकर राजकुमार को संदेह हो सकता है। वो छड़ी को अपने वस्त्रों में छिपाकर अपने सीढ़ियां उतरने लगी। मैं मायावनी से मोहनी बन गई, राजकुमार को मैं अपना यही नाम बताऊंगी। ही। इधर मायावनी उर्फ मोहनी के जब महल में प्रविष्ट होते ही त्रिशूल कुछ क्षणों के लिए महल के ऊपर स्थिर हुआ, फिर जिधर से आया था वह उसी दिशा में वापस लौट पड़ा। अगले दिन सुबह त्रिशूल उसी जंगल में पहुंचा जहां साधु यज्ञ कर रहे थे। गुरुदेव वह देखे त्रिशूल वापस लौट आया है, शायद उसने दुष्ट जादूगरनी का वध कर दिया है, अभी मालूम हो जाएगा। त्रिशूल सीधा महात्मा जी के हाथों में पहुंचकर शिथिर हो गया। और त्रिशूल पर रक्त के धब्बे नहीं है, इसका मतलब मायावनी अभी भी जिंदा है। क्या है? लेकिन गुरुदेव मायावनी बच कैसे गई? क्या शंकर बाबा की शक्ति उसकी शैतानी शक्ति से कमजोर साबित हुई है? कुछ समझ में नहीं आता, ठहरो मैं उस ध्यान लगाकर कारण मालूम करता हूँ, कहकर महात्मा जी ध्यान मगन हो गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली, ओह वह चालाक जादूगरनी बरमदीप का राजकुमार सिंह राज की शरण में पहुंच गई है। चूंकि सिंह राज इंद्र पुत्र है और उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए त्रिशूल को ऐसे पल वापस लौटना पड़ा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को राजकुमार सिंह राज के संबंध में सारी बात बता दी। गुरुदेव ऐसी व्यवस्था में तो वह दुष्ट जादूगरनी और भी भयंकर साबित होगी, किसी को भी पृथ्वी पर सुख चैन से नहीं रहने देगी, विशेषकर हम साधुओं को अधिक तंग करेगी। आप हंस क्यों रहे गुरुदेव? इसलिए बच्चों की जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होगा नहीं। राजकुमार सिंह राज की शरण में पहुंचकर वह चालाक जादूगरनी कुछ समय के लिए बच जरूर गई, लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानती कि एक दिन उसकी मौत उसी राजकुमार के कारण होगी और वह तिल तिल कर मरेगी। ओह आओ बच्चों, यह स्थान तो अपवित्र हो चुका, चलो चलकर कोई अन्य पवित्र स्थान की खोज करे, जो आज्ञा गुरुदेव। उधर जब मायावनी मोहनी के रूप में राज दरबार में पहुंची तो उस समय वास्तव में राजकुमार सिंह राज का राज तिलक किया जा रहा था। राजा सिंह राज की जय हो, राजा सिंह राज हमारे, राजा सिंह राज जिंदाबाद। चंडाली माँ ने ठीक ठीक ही कहा था, सचमुच राजकुमार का राज तिलक किया जा रहा है, आज से अपने देश का राजा माना जाने लगेगा। राज तिलक का कार्य संपन्न होते, महाराज की हमेशा जय जयकार हो, महाराज की लंबी उम्र हो। यह हैरान हो गया राजा। महाराज मुझे अबला की लाज और प्राण बचाइए, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। वो कितनी सुंदर है यह तरुणी, लेकिन शायद काफी दुखी मालूम पड़ती है, मुझ पर रहम खाइए महाराज। उठो सुंदरी और हमें बताओ तुम कौन हो और तुम पर क्या विपत्ति आ पड़ी है, हम तुम्हारी मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे। महाराज मेरा नाम मोहिनी है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नियम कुछ माँ हुए मेरे माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया है, बस मैं तब से दर दर भटक रही हूँ, लेकिन दुनिया वाले फिर भी मुझे भागी और कमजोर अबला को जीने नहीं देना चाहते, वे मेरी लाज लूटना चाहते हैं, मुझे जान से मार देना चाहते हैं। कौन है वे दुष्ट लोग, हमें बताओ, हम उनकी खाल खिंचवा लेंगे। हमारे राज्य में ऐसी अधर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है,
सुमा करे महाराज मैं बेसरा भला ऐसे लपंगों का अता पता क्या जानू, मेरी तो बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने महल में कोई छोटा मोटा काम दे दे ताकि मैं सुरक्षित रहते हुए अपना पेट भर सकूं। ओह, सिंहराज किसी सोच में डूब गए। कुछ क्षण सोचने विचारने के पश्चात मामती जी हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इस मासूम लड़की से इससे क्या काम दे, आप इसकी योग्यता अनुसार इसे कोई काम सौंप दीजिए। जैसे आपके आज्ञा महाराज। आओ लड़की मैं तुम्हें तुम्हारे रहने का कमरा और काम दिखावे समझा देता हूँ। जी बहुत अच्छा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी महाराज। इसके साथ ही मैं आपको यह विश्वास भी दिलाती हूँ कि मुझसे जो कार्य सौंपा जाएगा उसे मैं पूरी वो ईमानदारी मेहनत और वफादारी से निभाऊंगी। हमें तुमसे यही आशा है सुंदरी, अब तुम इनके साथ जाओ। मोहनी महामंत्री के साथ दरबार से बाहर की ओर चल पड़ी। यहाँ तक तो मेरी योजना बिल्कुल सफल रही, बस अब किसी तरह महाराज को अपने रूप जाल में फांसना है। दोनों के दरबार से जाने के बाद अब दरबार का कार्य आरंभ किया जाए, और दरबार का कार्य आरंभ हो गया। इधर महामंत्री जी मोहनी को लेकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंचे। अच्छे तुम यहीं रहोगी, तुम्हारी जरूरत की तमाम चीजें वह कपड़े आदि तुम्हें जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी, लेकिन आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि मुझे काम क्या करना होगा। आज से मैं तुम्हें महाराज की विशेष सेविका नियुक्त करता हूँ। आज से उनके आराम का, उन्हें खाना खिलाने का और उनकी हर किस्म की देखभाल करने का कार्य तुम्हारा है। आह बन मन चाह काम मिल गया, आप क्या गए सिर आंखों पर महामंत्री जी। अब तुम आराम करो और जब महाराज अपने सैन्य कक्ष में पहुंचे तो उनकी सेवा में पहुंच जाना। जी उसी दिन से मोनी महाराज सिंहासन की सेवा सिंहराज की सेवा में जुट गई। वह उन्हें समय पर खाना खिलाती, समय पर वस्त्र आदि पहनाती और महाराज के सोने से पहले उनके बिस्तर पर नया बिछौना बिछाती, उस पर सुगंधित इत्र आदि छिड़कती और जब महाराज आराम करते तो उन्हें पंखा जलती तथा रोज रात को जब महाराज गहरी नींद में सो जाते तो वह काफी रात गए तक उनके पैर दबाती रहती। कुछ ही दिनों में महाराज उसके काम और रूप रंग पर मुग्ध हो गए। जैसा नाम वैसा रूप, कितनी सेवा करती है मेरी, बिल्कुल किसी पत्नी की तरह, तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं होने देती। यदि मैं इससे विवाह कर लूं तो सारी दुनिया में मुझ जैसा खुश नसीब वह सुखी कोई दूसरा न होगा, यही है मेरी पत्नी बनने योग्य। और एक दिन सिंहराज ने मौका देकर अपने दिल की बात मोहनी से कह दी। सुनो मोहनी, न जाने क्यों तुम मेरे मन को बहुत भाग गई हो, क्या तुम मुझे विवाह करना पसंद करोगी। मैं आपसे आप मुझसे विवाह करेंगे, मुझसे एक दासी से। अरे आपको आपको दासी मत को मोहनी, तुम तो इतने दिनों में मेरे दिल की मलका बन गई हो। बोलो क्या तुम मुझे विवाह करने के लिए तैयार हो, बोलो जवाब दो। महाराज भला आपसे कौन युवती विवाह न करना चाहेगी, सुंदर से सुंदर राजकुमार भी आपके इस एक इशारे पर अपना सब कुछ नौछावर कर देगी। फिर मैं तो एक दासी हूँ, आपके पैरों की जूती भी बनने के काबिल नहीं हूँ। किसी राजकुमार की बात छोड़ो मोहनी, मैं तुमसे विवाह करने की बात कर रहा हूँ, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। महाराज मैं आपको भला ना कैसे कह सकती हूँ, मैं तो आपको आपको पति के रूप में पाकर धन्य हो जाऊंगी। आपका मिलना तो मेरे लिए ईश्वर के मिलने जैसा होगा, लेकिन आप एक बार फिर सोच लीजिए। मोहनी ऊपरी दिल से कह तो कुछ और रही थी, लेकिन भीतर भीतर उसका दिल बलिया उछाल रहा था। मेरे साथ विवाह कर आप सुखी नहीं हो पाएंगे, आपके दरबारी मंत्री अधिकारी ही नहीं बल्कि समाज भी आपका उपवास उड़ाएगा। सोचे तब आपकी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। मुझे किसी के उपवास या आलोचना की कोई चिंता नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का स्व मालिक हूँ, जिस तरह चाहे जी सकता हूँ, जिससे चाहे विवाह कर सकता हूँ, बस तुम एक बार हाँ कर दो। तब मेरी तरफ से हाँ है महाराज, यह दासी हमेशा आपके चरणों में पड़ी रहा करेगी। आह तुम कितने अच्छी हो मोहनी, मैं कल ही राज पंडित से मिलकर विवाह का मुहूर्त निकलवाता हूँ। मावनी के रूप का जादू पूरी तरह महाराज के सिर चढ़ चुका था। अगले दिन ही सिंहराज ने राज पंडित को बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, आप एक सेविका से विवाह करेंगे जिसके न घर का अता पता, न जात और धर्म का पता, नहीं किस कुल से संबंध रखती है वह। पंडित जी मुझे न जात पात से कुछ लेना है न धर्म से, मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारी आपकी तरह एक इंसान है और नेक दिल है, वह सर्वगुण संपन्न युवती हर दृष्टिकोण से मेरी पत्नी बनने योग्य है। आप विवाह की शुभ तिथि निकालिए। लेकिन राजन, लेकिन लेकिन कुछ नहीं पंडित जी, मैंने आपको विवाह की तिथि निकालने के लिए बुलवाया,
सलाह लेने के लिए नहीं, आप अपना कार्य कीजिए, जल्दी से कोई तिथि निकालिए जैसे आपके आज्ञा महाराज। पता नहीं महाराज की बुद्धि को अचानक क्या हो गया, वरना वे इतने अज्ञानी और तेज तर्रार तो नहीं थे। अब तो ईश्वर ही मालिक है, मुझे तो हुक्म मानना ही होगा अपना हिसाब किताब लगाने के बाद। महाराज मैंने सारी गणना कर लिया, लेकिन इस मुंह से क्या कहूं, इस मातों क्या, पूरे वर्ष और आगे आने वाले कई वर्षों में भी कोई दिन उसी युवती के साथ विवाह करने के लिए शुभ नहीं है। क्या बकते हैं आप, मैं ठीक ही कह रहा हूं महाराज, आपके नक्षत्र में उसके साथ विवाह करना नहीं बल्कि तय नाम की किसी दूसरी लड़की के साथ होना लिखा है। मोहनी आपके लिए किसी भी अवस्था में शुभ साबित नहीं होगी। यही नहीं बल्कि मेरी गणना तो यहाँ तक कहती है कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं वह कोई दुष्ट शक्ति है। खामोश, मैंने जो कहना था कह दिया महाराज, आगे आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो ठीक है, मुझे किसी तिथि की जरूरत नहीं, मैं कल ही मोहनी से विवाह कर लूंगा, लेकिन आप इसी समय मेरी नजरों से दूर हो जाइए जैसी महाराज की आज्ञा। राज पंडित के जाने के बाद सिंहराज ने महामंत्री को बुलवाया, महामंत्री जी तुम हम कल ही मोहनी के साथ विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह की तैयारियां करवाइए और प्रजा में भी ढिंडोरा पिटवा दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, मोहनी से विवाह करेंगे, एक दासी से लोग सुनेंगे तो? आप अपनी जुबान बंद कीजिए और जैसा हमने कहा वैसा कीजिए, लोग क्या कहते हैं इसकी हमें कोई परवाह नहीं, अपना भला बुरा हम सब सोचेंगे। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे समझे करें। आपके पिता स्वर्गीय महाराज गजराज सिंह जी होते तो शायद मेरी सुनते, लेकिन खैर मैं जाकर विवाह की तैयारियां करवाता हूँ। और दूसरे दिन ही महाराज का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। आह आज मैं कितनी खुश हूं, प्रिया से तुम हमारी और हम तुम्हारे, वादा करो दुख सुख में हमेशा हमारे साथ दोगी और हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाती रहोगी। मैं वादा करती हूँ मेरे देवता। माँ चंडाली के अनुसार मैंने राजकुमार सिंह राज से विवाह कर दिया। अब दुनिया की कोई शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं जो चाहूंगी करूंगी। हा हा हा, उधर दूर जंगल में अनेक पवित्र स्थान पर, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जादूगरनी मायावनी ने मोहनी रूप धारण करके इंद्र पुत्र सिंह राज से विवाह कर लिया और कोई भी इस विवाह को नहीं रोक पाया। हाँ शिष्य ऐसा ही हुआ है और ऐसा होना ही था, जो श्राप उसे देवलोक में मिला था उसके तहत इस जिंदगी में उसे यह सजा मिल रही है कि वह नीच और के साथ अपना ग्रस्त जीवन चलाएगा। आखिर इंद्रपुत्र को कैसा श्राप मिला था और किसने दिया था, कृपया करके हमें भी बताए गुरुदेव। तो सुनो, एक बार इंद्रलोक में नृत्य कार्यक्रम चल रहा था, वहां सभी देवी देवताओं के साथ विष्णु और लक्ष्मी जी भी उपस्थित थे। अचानक इंद्रपुत्र को न जाने क्या सूझी की बंद करो भोंडा नृत्य, ऐसे नाच रही है जैसे मेंढ की धरती पर फुदक रही है। क्या इससे अच्छा तो लक्ष्मी जी ही नाच सकती है, अच्छा होता यदि आप लोगों ने लक्ष्मी जी को नचाया होता। क्या इतनी बेइज्जती कर दी लक्ष्मी जी की? लक्ष्मी जी इंद्र पुत्र के इस व्यवहार से अपमानित हो क्रोधित हो उठी। इंद्र पुत्र तुम्हारी हिम्मत की भरी सभा में तुम मेरा अपमान करो, जब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अगला जन्म मृत्युलोक में लोगे और 100 वर्ष तक वहां रहोगे तथा एक नीच और धूर्त स्त्री के साथ विवाह करके अपमानित हो गए एवं लोगों के हास्य का पात्र बनोगे। लक्ष्मी जी का श्राप पाकर इंद्र पुत्र उसी पत्नी के साथ साथ स्वयं इंद्र भगवान भी घबरा उठे। उन्होंने तुरंत लक्ष्मी जी के चरण छूकर माफी मांगी, मेरा पुत्र नादान देवी आप इसे क्षमा कर दीजिए। हाँ माँ, मैं सुरा पीकर अपने होश को बैठा था, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, अपना श्राप वापस ले लीजिए। उनके माफी मांगने और अन्य देवताओं के समझाने पर लक्ष्मी जी का क्रोध कुछ शांत हुआ। सुनो इंद्र पुत्र, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, तुम्हें मृत्युलोक में तो जन्म लेना ही होगा। हाँ मैं तुम्हारी सजा में कमी जरूर कर देती हूँ, तुम मृत्युलोक में एक राजा के घर में जन्म लोगे तथा तुम्हारी असली पत्नी के कारण ही तुम्हें उस नीच स्त्री से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ मृत्युलोक में 100 साल तक सुख भोगोगे। इस तरह इंद्र पुत्र को मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, जो कि उसे लक्ष्मी जी का श्राप था, अतः उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने मायावनी के मोहित रूप जाल में फंसकर उसे शादी कर ली। गुरुदेव, इंद्र पुत्र की पत्नी का क्या हुआ, क्या वह भी पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है? हाँ, और शीघ्र ही उसका मिलन भी होगा और विवाह भी, और समझ लो उसी दिन से मायावनी की जिंदगी के दिन कम होने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन गुरुदेव अब जब तक सिंह राजवंशी पूर्वजन की पत्नी नहीं मिल जाती तब तक तो मालिनी कुछ भी करने को आजाद होगी, वह काफी विनाश कर सकती है, क्या उसे रोकने का कोई उपाय नहीं? ओह कोई उपाय नहीं, जो होना है वह होकर ही रहेगा। खैर अब छोड़ो बातें और यज्ञ आरंभ करो, शायद हमारी यज्ञ खत्म होने के साथ साथ मायावनी का भी अंत हो जाए, फिर वह सब यज्ञ करने में मगन हो गए। इधर सिंह राज की मौनी से विवाह करके प्रजा से वास्तव में अपमानित होना पड़ा, वह जहां से भी गुजरता लोग उसकी हंसी उड़ाते, अरे वह देखो हमारे महाराजा रहे एक दासी के गुलाम, अरे भाई मुझे तो किसी का विश्वास नहीं था, एक राजा अपनी सेविका से ही शादी कर लेगा यह तो कोई सोच भी नहीं सकता। भाई मेरे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि राजा को अपने खानदान के मुताबिक कोई रिश्ता करने को नहीं मिला था क्या जो उसने दासी से शादी कर ली। अरे भाई अब खानदानी लोग रह ही कहां गए हैं, महाराज के मरने के साथ ही तो सारी दुनिया के राजा महाराजा अपने कुटुंब के साथ मर गए थे, फिर भला हमारे राजा को किसी राजघराने की लड़की कहां से मिलती। आहा हमारे राजा साहब हो ऊपर जा कितना अपमान करिए मेरा, जी करता इन सबकी गर्दने उड़ा दूं, लेकिन ऐसा करने से लोगों में विद्रोह जाग उठेगा, तो फिलहाल खामोश रहना मेरे लिए अच्छा है, समय बीतने के साथ साथ प्रजा अपने आप ही सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन रोज रोज प्रजा वह लोगों द्वारा अपना मखौल उड़ने पर सिंहराज गम बुलाने के लिए शराब का सहारा लेने लगा, और दो मोहनी में शराब के नशे में दुनिया के सारे गम भूल जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ और पीजिए स्वामी, यह गम भी दूर करेगी और दिमाग की थकान भी। मोनी तो चाहती ही यही थी कि सिंहराज शराब में पूरी तरह से डूब जाए, अतः हर समय उसे शराब पीने के लिए उकसाती रहती थी। फिर शराब के साथ साथ मोनी सिंहराज के लिए नाच गानों की महफिलें भी सजवाने लगी। वाह मोनी तुमने क्या शराब पिलाई है, वाह वाह क्या नाच दिखाया है। एक समय यह आया जब सिंहराज ने राजकार्य और दरबार कार्य में बिल्कुल ही दिलचस्पी लेनी छोड़ दी और मोनी के हाथ सुनहरा मौका लग गया। अब ब्रह्मदीप की बागडोर मेरे हाथ में होगी और उसके बाद हा हा हा। सिगरी मोनी ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और मनमानी करने लगी। सिगरी प्रजा उसके जुल्म और सितम से त्राही त्राही कर उठी। महामंत्री सेनापति व नर दरबारी जी व मंत्री गणों ने कई बार मौका देकर सिंहराज को समझाना चाह, लेकिन बेकार, सिंहराज कभी होश में होता तो उनकी सुनता नहीं, वह तो हर समय मद्दोश से रहने लगा था, सभी मजबूर होकर रह गए। कौन हो तुम, हिच बजाओ भागो यहां से, हम सिवाय शराब के किसी को भी नहीं पहचानते। जबकि मोहनी ने धीरे धीरे अपने कुकृत्य से देश के बहुत से दरबारियों और अधिकारियों और मंत्री गणों को भी लालच देकर अपने साथ कर लिया था। दोस्तों आपको पता मुझे स्ट्रोक आया था इसलिए मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, तो जबान थोड़ी सी अकलाती है तो इस चीज को थोड़ा सा बस इग्नोर कर देना, और मैं अब वो ही आराम करके फिर पढ़ूंगा इसका सेकंड पार्ट जिसका नाम है देवपुत्र। तो ये सिंहराज की मोहनी की असलियत मालूम हो सकी, क्या सिंहराज को असली पति तरुलता उसे मिल सके? मामंत्री और दरबारी ने अपने राजा को सही मार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय किए? क्या साधु महात्मा का यज्ञ संपूर्ण हो सका? क्या लक्ष्मी जी का श्राप खत्म हुआ? पास में आखिर क्या थी और उसका क्या रहस्य था? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे देवपुत्र में। तो दोस्तों अगर आपको चैनल की कॉमिक्स अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपके लिए आगे अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाता रहूंगा।